हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप जायरस को अच्छे से कैसे यूज़ कर पाए, जिससे आपका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल हो जाए, नेक्स्ट लेवल ओपी हो जाए ओपी। तो इस वीडियो को पूरा देखो, बिना बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंसिटिविटी। भाई कुछ लोग देख के आए थे सेंसिटिविटी, जोनाथन का 300 सेंसिटिविटी है, मैं कॉपी कर लूँगा। जोनाथन ने की है बहुत प्रैक्टिस, तभी उसका गेम प्ले अच्छा है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। आप ना कोई भी सेंसिटिविटी बना लो, मतलब देखो मैंने पहले स्टार्टिंग की 150 सेंसिटिविटी से स्टार्टिंग किया था मैंने, फिर मैं धीरे धीरे 300 तक पहुंचा, फिर 400, मतलब एक ही दिन हुआ शिफ्ट हुए। तो अपना सेंसिटिविटी कम रखो स्टार्टिंग में, फिर अगर आपको इंक्रीज़ करना हो तो इंक्रीज़ कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, काम कर रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आप करोगे 400 सेंसिटिविटी, अगर आपको नीड करना होगा ना, आपका स्क्रीन बहुत ज़्यादा हिलेगा, बहुत ज़्यादा, और नीड अच्छे से नहीं होगा। ये मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी नीड करने से, मैं अपने आप पर नीड फूट देता था तो ये एनवी आके मुझे मार देते थे। तो ये सब आपको नहीं करना, स्टार्टिंग लो सेंसिटिविटी से करो, धीरे धीरे इंक्रीज़ कर लो, फिर आपका गेम प्ले अच्छा हो जाएगा। तो चलो मान लिया आपने सेंसिटिविटी भी अपना परफेक्ट कर लिया, जो भी आपको रखना था, कंट्रोल भी बना लिया जो रखने थे आपको। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे करेंगे कि उसका स्प्रे अच्छा नहीं किया, मेरा नॉन जायरो पर ज़्यादा अच्छा रहता है तो मैं जायरो को ऑफ कर दूंगा, क्लो रेंज में मर गया मैं, जायरो की गलती है तो मैं जायरो के साथ नहीं खेलूँगा। ये सब कुछ नहीं करना आपको, अपने आप को ना बस ये रखना कोई बात नहीं मैं इस पर प्रैक्टिस करूँगा। और प्रैक्टिस पता कैसे करनी, ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड और आपको टीडीएम खेलने ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रेनिंग ग्राउंड में आप स्प्रे मारते रहो, जो भी रिफ्लेक्सी ड्रिल्स मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप देख लो जाके एक बार चेकआउट कर लो। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएम खेलना है, टीडीएम से आपका क्लोज रेंज अच्छा हो जाएगा, ट्रेनिंग ग्राउंड जाने से आपके रिफ्लेक्सीज और लॉन्ग रेंज फाइट इम्प्रूव हो जाएगा आपका। और जायरो ज़्यादा शेक करता ना, फिर वो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि इतना इतना हिलेगा और आपको ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। तो ट्रेनिंग ग्राउंड और टीडीएम खेल लो। तो लगभग जायरो के बारे में मैंने सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दी, तो प्रो टिप सुनो मेरी। देखो कभी भी हार नहीं मानी कि मैं जायरो पर नहीं खेल पाऊँगा, ये वो ऐसे वैसे, जायरो को नहीं छोड़ना कभी भी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो। और ये नहीं कि मैंने जायरो खेलता हूँ और मैं लेट के खेलूँगा जैसे नॉन जायरो में खेलता हूँ, ऐसे नहीं करना, उठ के बैठ के खेलना है, ठीक है ना। और कुछ लोगों का आदत ये होता है कि जायरो तो ऑन किया, अपने फ़ोन को रोटेट ही नहीं करना, स्क्रीन को ड्रैग करते रहना। भाई जायरो ऑन किया ना, उसे ड्रैग भी करो और रोटेट भी करो, वो तुम पर है। लेकिन ये नहीं कि जायरो को ऑन करके रखा है और उसे यूज़ भी नहीं करना, अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। उसे फ़ोन को हिला हिलो लिया करो यार थोड़ा सा, अगर जायरो खेल रहे हो तो उससे आप बंदों को ईजिली मार पाओगे यार। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ, और चैनल पर नहीं हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं माउंटेज वीडियो बहुत ओपी वाले डालता हूँ, देख लिया करो अगर देखना हो तो। बस इतना ही था इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टाटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।